किलोमीटर दूर ही वृंदावन के प्रेम मंदिर की पार्किंग हमारी हो जाती है, ताकि इस रोड पे जाम ना लग सके। आने वाली तरफ से बहुत जाम लगा रहता है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये सारा जाम प्रेम मंदिर की वजह से ही लगता है। तो इसलिए इसकी पार्किंग इन्होंने बहुत दूर रखी है, और बाकी यहाँ से लेके हमें वहाँ तक पैदल चलना होगा। रास्ते में चलते चलते एक कृपा द्वार पड़ता है, जो कि कृपालु धाम के नाम से यहाँ पर फेमस है। तो चलते चलते हम फाइनली आ जाते हैं प्रेम मंदिर के द्वार पे, जो कि एकदम मस्त इन्होंने सजा रखा होता है। और यहाँ से प्रेम मंदिर का नज़ारा भी एकदम मस्त लग रहा होता है, ये तो कुछ भी नहीं, अंदर जाके और मज़ा आएगा। गाइज यहाँ पर आप भीड़ देखो कितनी लगी हुई है, और अंदर आपको बिना मास्क के एंट्री नहीं होती। लिटरली गाइज यार भीड़ देखो कितनी हो रही है यार, यहाँ जन्माष्टमी नहीं है आज के दिन, उसके बाद भी इतनी भीड़ है। आप एक काम करो, प्रेम मंदिर को छोड़ो, भीड़ के नज़ारे देखो। सच में यार यहाँ पे कदम भी नहीं आगे बढ़ाया जा रहा, बंदा आगे भी नहीं बढ़ पा रहा, इतनी भीड़ है यहाँ पर। चलो कोई बात, इस भीड़ के साथ मैं आपको कृष्ण लीला की झांकी और प्रेम मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कसम से यार नज़ारा देखो यार कितना मस्त लग रहा है, और कलर कितने मस्त लग रहे हैं यार मंदिर के, कसम से मज़ा आ गया यहाँ आके। तो मैं तो बस ये सोच रहा हूँ गाइस कि मतलब जन्माष्टमी नहीं है आज, उसके बावजूद यहाँ पे इतनी भीड़ है, तो जन्माष्टमी वाले दिन क्या हाल होता होगा। मैं तो सोच रहा हूँ सारे लोग ऊपर चढ़ रखे होते होंगे मंदिर के ऊपर। फिलहाल आप कृष्ण लीला के दर्शन कीजिए, मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। लोग भाई एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के फोटोज क्लिक कर रहे हैं यार, भीड़ देखो यार, फिर से देखो यार, दूर तक दिख रही है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खुद देखो यार कितनी भीड़ है यार यहाँ पे, मज़ा आ गया। ये साइड का सीन है गाइज मंदिर का, अब इसके बाद हम जाएंगे मंदिर के अंदर, और इस साइड में जो आपको दिख रही है ना ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये भी मैं आपको क्लोज जाकर दिखाऊँगा।
दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कृपालु जी महाराज के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को बनाने की शुरुआत 14 जनवरी 2001 से करी गई थी और ये 17 फरवरी 2012 को बनकर कंप्लीट हुआ था। तो गाइस ये मंदिर 54 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर को बनने में 11 साल लगे थे और इस मंदिर में जो पूरा खर्चा आया था वो पूरे 100 करोड़ का था। देखो सामने पड़ा होगा इस क्या लिखा है, नो फोटोग्राफी। और इसके बावजूद मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे इतने लोग फोटो। इस मंदिर को गाइस प्रेम मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम से बनाया गया है। इस पे जो आपको दिख रखी है कलाकारी जो दिख रही है और जो डिज़ाइन वगैरह जो मूर्ति यहाँ पे दिख रही है वो साफ यहाँ पे शो करती है कि इसे कितने प्यार से बनाया गया है और इसे बनाने में भी बहुत टाइम लगा। नीचे वाले फ्लोर पर गाइस राधा कृष्ण का मंदिर है और ऊपर की तरफ सीता राम का मंदिर है। गाइस भीड़ देखो यार आप कितनी हो गई, कसम से आगे बढ़ने तक का भी मतलब वो नहीं है स्पेस। तो फाइनली गाइज हम यहाँ से अब बाहर जाने वाले हैं, हम बाहर की तरफ आ गए हैं। अब मैं बाहर को आपको दिखाता हूँ। सोचा नहीं था यहाँ पर आकर इतनी भीड़ मिलेगी, यहाँ इतनी भीड़ है कि मतलब पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। ये तो नॉर्मल डेज की बात है, जन्माष्टमी वाले दिन क्या हाल होता होगा ये सोच के देखो यार भीड़ देखो यार, वाह यार ऑसम। और ये वही गोवर्धन पर्वत है जो मैंने अभी आपको सिनेमैटिक शॉर्ट्स में दिखाया। नेक्स्ट व्लॉग में हम गोवर्धन ही जाते हैं, यहाँ का व्लॉग मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और अभी एक थोड़ी देर बाद यहाँ पर फाउंटेन शो होने वाला है तो वीडियो को स्किप मत करना, फाउंटेन शो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, तो आप देखते रहो वीडियो को। ये झांकियाँ गाइस सारी मैंने आपको सिनेमैटिक शॉर्ट्स में दिखा दी, आपने अभी देखा होगा। तो ये मैंने दूर से शॉट लिया, वो मैंने जब ये खाली हो गया था तो मैंने पास जाकर वो शॉट्स लिए। अब आप ये देखो यहाँ पर फाउंटेन शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला, उस जगह पर शुरू होगा। और ये भीड़ देखो, और यहाँ से देखने में कितना मस्त लग रहा मंदिर, एकदम मस्त मंदिर लग रहा है यार। तो गाइस फाउंटेन शो शुरू हो गया है, मैं आपको पास जाके भी कुछ शॉट्स दिखाऊंगा। और फिलहाल आप यहाँ से देखो, मैं दूसरी जगह पर जाके आपके लिए शॉट्स लेता हूँ। तो गाइस ये 5 मिनट का पूरा फाउंटेन शो है, अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके से फाउंटेन्स को दिखाया जाता है और एंड में इस मतलब कृष्ण जी की पूरी फ़ोटो राधा के साथ दिखाई जाएगी। अगर आप चाहो तो देख सकते हो वरना स्किप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। 5 मिनट का ये फाउंटेन शो है पूरा।
तो लास्ट में यहाँ कुछ झांकियाँ आपको देखने को मिलती है जब हम बाहर की तरफ निकलते हैं। ये पूतना की झांकी है। यहाँ पे तीन चार तरह की बहुत मस्त मस्त तरीके की झांकी इन्होंने सजा रखी है। आप यहाँ पर आकर इनको देख सकते हो और ये यहाँ से नज़ारा ऐसा दिखता है। तो इसी के साथ ही व्लॉग को एंड करते हैं। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।